अजीत सिंह हत्याकांड के मामले में जौनपुर जिले के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। धनंजय सिंह को 25,000 रुपए के 2 पर्सनल बांड पर जमानत दी गई है। इस दौरान उसके कई समर्थक और वकील मौजूद रहे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धनंजय सिंह पर हत्यारों की मदद करने का आरोप था। अजीत सिंह हत्याकांड मामले में धनंजय सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित किया था। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड कठौता चौराहे पर 6 जनवरी 2021 को शाम 8:30 बजे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसमें उसका साथी मोहर सिंह और एक राहगीर आकाश यादव भी घायल हुआ था। आपको बता दें कि इसी मामले में जौनपुर जिले के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचे।